जो भारत सरकार से वित्त पोषित जितनी भी योजनाएं प्रदेशों में चल रही और उनके माध्यम से जो विकास कार्य होने वाले हैं या गरीब सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं, उन सब की प्रगति की समीक्षा का एक प्लेटफॉर्म है ताकि जिले का एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसकी बैठक पिछले लंबे समय से चुनाव और चुनाव की आचार संहिता के चलते हुए नहीं हो पाई थी। आज बैठ करके सारी ऐसी योजनाएं जहां भारत सरकार का वित्त पोषण है, उन सब योजनाओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की है। आने वाले समय में अभी जो वर्तमान में जो संकट बिजली का है जैसलमेर जिले में, उसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा की है। वर्तमान में पेयजल की स्थिति, आने वाली गर्मियों के उत्साह के आसन्न संकट को देखते हुए उसका कंटिजेंसी प्लान और जल जीवन मिशन के माध्यम से जो सैचुरेशन प्लान है, इन तीनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पिछले 5 साल में जिस तरह से जैसलमेर जिले के हालात थे और जिस तरह से जैसलमेर जिले में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर बहुत सारी सरकारी योजनाओं को डिरेल करने की कोशिश की गई, राजस्थान भर में इसी तरह के हालात होने के चलते हुए जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन सब के समाधान के लिए भी, त्वरित समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। भगवान श्री राम का मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जन्म भूमि पर बने, इसको लेकर के देश में पिछले 500 साल से संघर्ष चल रहा है। हम सभी लोगों ने हमेशा ही इस बात का प्रण और संकल्प व्यक्त किया था कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ लोग कहते थे कि तिथि नहीं बताएंगे, अब तिथि भी घोषित हो गई है और 22 तारीख को पूरा विश्व जो है उस दिन दिवाली मना रहा होगा, जब भगवान राम के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में उनकी उपस्थिति में होगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। मैं आपके चैनल के माध्यमों से, आपके और अखबारों के माध्यम से सभी मेरी आवाज़ सुनने और समझ सकने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम इस बार भगवान राम के मंदिर के इस उत्सव को अपने घर में दिवाली मना करके, जिस तरह से भगवान राम जब लंका पर विजय करके घर लौटे थे, उस समय जब अयोध्या वासियों ने जो दिवाली मनाई थी, उसी को स्मरण करते हुए एक बार फिर उससे भी बड़े विशाल तरीके से हम दिवाली मनाएं। और देश इसको लेकर के अत्यंत उत्साहित भी है और धर्म से घर जो है सराबोर भी है। सामान्यतया इस तरह का चुनाव जो किसी व्यक्ति के देहावसान के बाद में होता है, उस चुनाव में मृत व्यक्ति के प्रति, मृत नेता के प्रति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की आस्था और सहानुभूति की एक लहर होती है। उस सहानुभूति की लहर के चलते हुए इस तरह के परिणाम आया है, लेकिन क्योंकि राजस्थान की सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, 115 सीटों के साथ में काम कर रही है, निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशक्त रूप से 5 साल में सुशासन स्थापित करने के लिए काम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।